एक राइटर ने एक लड़की के बारे में लिखा और वो लड़की डायरेक्टली उसके सामने आ जाती है। वो उसे जो चाहता वो करवा सकता था, उसकी लाइफ पूरी तरीके से मैनिपुलेट करने की ताकत उसमें थी। तो अब आगे क्या होगा ये हम आज की हमारी मूवी रूबी स्पार्क्स 2012 की एक फैंटेसी रोमांटिक हॉलीवुड मूवी में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सनसेट में हमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी लड़की दिखाई जाती है, इसका नाम है रूबी। रूबी ने पूछा, तुम मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हो? अचानक से सपना टूट गया। केविन अपने सपने में रूबी को देख रहा था। केविन एक्चुअल में एक राइटर है। जब वो हाई स्कूल में था तब उसने एक बुक लिखा था और उसके बाद से वो हमेशा से स्ट्रगल करता आ रहा है। लोगों से मिलना, उनसे बात करना, ये सारा उसके लिए अनकंफर्टेबल है, तो अकेला अपने डॉग के साथ रहता है। वो आज भी राइट करने के लिए बैठा पर कुछ भी लिख नहीं पाता। इसके बाद वो अपने ब्रदर के साथ जिम में चला गया। उसके ब्रदर ने उसे कहा कि तुम्हें डेट पर जाना चाहिए, वैसे भी तुम्हारी बुक पढ़कर बहुत सारी लड़कियां तुम्हारी दीवानी है। केविन को लगता है कि बुक पढ़ने के बाद सब लोगों की उसकी अलग फैंटेसी है। वो एक्चुअल में बहुत ही अलग है, तो इसी वजह से अपने किसी भी फैन से नहीं मिलना चाहता। ब्रदर ने कहा कि अच्छी बॉडी बना लो, उसके बाद हर कोई लड़की तुम्हारे साथ रहना चाहेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि केविन अपने थेरेपिस्ट के साथ था। इनका नाम है डॉक्टर रोसेंथल। केविन किसी से भी ज्यादा मिलता नहीं, इसके बारे में डॉक्टर से बात कर रहे थे। डॉक्टर ने कहा कि तुमने अपना डॉग लिया था, इसके पीछे भी यही रीजन था कि तुम उसे पार्क में घुमाने के लिए लेकर जाओगे और लोग तुमसे बात करेंगे। केविन कहता है कि मेरे डॉग को किसी से भी बात करना अच्छा नहीं लगता, तो इस वजह से वो किसी से भी ज्यादा मिलता नहीं। डॉक्टर को केविन की सेल्फ एस्टीम बहुत ही कम लगती है, तो उन्होंने उसे एक असाइनमेंट दिया, कहा तुम्हारे डॉग को वो जैसा है वैसा अगर कोई उसे लाइक करता हो तो इसके बारे में मुझे लिख कर बताना। केविन इसके लिए हाँ कहता है। इनकी बातों बातों में केविन की एक्स गर्लफ्रेंड का सब्जेक्ट आया। केविन के फादर के मरने के बाद उसे छोड़कर चली गई थी, तो इस वजह से केविन उस पर बहुत ही गुस्सा है। वो 5 साल से साथ थे, पर अब इस ब्रेकअप को भी बहुत सारा टाइम गुजर चुका है। नेक्स्ट सीन में हम केविन को एक मीटअप पर देखते हैं, जिसके बारे में उसे ज्यादा कुछ पता नहीं था। वहां पर उसे बहुत सारे फैंस मिले। केविन के सारे फ्रेंड्स, उसके सारे फैंस, इन सबको लगता है कि वो एक जीनियस है। केविन कभी भी अपने आप को जीनियस समझता नहीं, क्योंकि उसने सेकंड बुक नहीं लिखी। ये बात हमेशा उसे खाई जाती है। पार्टी में केविन को फिर से एक लड़की मिली जो जबरदस्ती अपना नंबर उसे दे देती है। पार्टी में केविन के साथ एक सीनियर राइटर ने भी बात की। उसने कहा कि अगर तुमने सिर्फ एक ही बुक लिखी तो तुम्हें कोई भी याद नहीं रखेगा, थोड़े सालों में सब लोग तुम्हें भूल जाएंगे। इससे वो और भी ज्यादा टेंशन में आ जाता है। वो जब घर पर आया तो उसके डॉग ने उसका बेड गंदा कर दिया था, उसे नीचे ही सोना पड़ता है। आज रात रूबी फिर से उसके सपने में आए, पर इस बार उसे वो सही तरीके से देख सकता था। उसे वो बहुत ही ब्यूटीफुल लगी। सपने में केविन पार्क में था। केविन के डॉग को देखकर रूबी उससे बात करने लग गई थी। वो केविन से कहती है, तुम्हारा डॉग लड़कियों की तरह ही पेशाब करता है। ये बात केविन को बहुत ही अजीब लगी। वो फिर केविन के डॉग को पेंट करने लग गई थी। उसने उसका नाम पूछा। केविन कहता है कि इसका नाम स्कॉट है। केविन का फेवरेट राइटर स्कॉट था, तो इस वजह से उसी का नाम उसने उसे दिया हुआ है। रूबी कहती कि ये बात तो डिसरिस्पेक्टफुल है, तुम शायद खुद को उस राइटर से ज्यादा टैलेंटेड समझते हो। रूबी का इस तरीके से डायरेक्टली उसे कन्फ्रंट करना, ये केविन को बहुत ही अच्छा लगता है। वो जाते जाते कहकर जाती है कि तुम्हारा डॉग बहुत ही अच्छा है, वो जैसा है उसे अच्छा लगता है। इसी के बारे में डॉक्टर ने केविन को लिखने के लिए कहा था। वो फिर रूबी के बारे में लिखने लग जाता है। उसके बुक की मेन कैरेक्टर बन चुकी थी। इसके बारे में डॉक्टर से बात करता है, कहता है कि मैं हमेशा उसी के बारे में लिखना चाहता हूँ। जब मैं लिखता हूँ तो उसके साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, मुझे ये सब बहुत ही अच्छा लग रहा है। डॉक्टर ने पूछा कि मुझे रूबी के बारे में और कुछ चीजें बताओ। रूबी एक ब्यूटीफुल से टाउन से थी और बचपन से ही बहुत ही रिबिलियस थी। उसका हाई स्कूल में अपने टीचर के साथ भी अफेयर हो गया था। उसके अब तक जो भी बॉयफ्रेंड रहे थे ये सारे बहुत ही घटिया थे, पर अब वो एक स्टेबल बॉयफ्रेंड को ढूंढना चाहती थी। इसके बाद केविन जब घर पर आया तो ब्रदर और उसकी वाइफ आई हुई थी। केविन को घर में लड़कियों की कुछ कपड़े मिलते हैं, उसके ब्रदर को भी अंडर गारमेंट्स मिले। केविन को लगता है कि शायद डॉग ने नेबर के कपड़े चुरा कर लाए। रात में केविन ने ब्रदर को अपनी बुक दिखाई। ब्रदर ने कहा कि तुमने रूबी के बारे में जो भी लिखा है, इस तरीके की रियल लड़कियां नहीं होती, लड़कियां बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है। तुमने एक लड़की के बारे में तो लिखा है, पर ये एक पर्सन नहीं है, तुमने सिर्फ एक कैरेक्टर लिखा है, पर रियल लड़कियां बहुत ही अलग होती है। उसने केविन को एडवाइस दी कि तुम्हें जो पता है इसी के बारे में तुम लिखो। केविन को ये बात अच्छी नहीं लगती और रात में वो रूबी के साथ एक डेट पर गया है। इमेजिन कर एक बहुत ही अच्छा सा सीन लिखता है। ये डेट पर अपने प्रीवियस पार्टनर के बारे में बात कर रहे थे। रूबी केविन से पूछता है कि जब तुमने मुझे फर्स्ट टाइम देखा तुम्हें क्या लगा था।
केविन ने कहा कि तुम कितनी प्रीटी हो। केविन ने पूछा कि तुम्हें क्या लगा था। रूबी कहती कि मुझे लगा था कि इस लड़के से मैं हमेशा हमेशा प्यार करूंगी। अगली सुबह जब केविन उठा तो एक काम के लिए उसे बहुत ही लेट हो चुका था, पर जब वो नीचे आया तो रूबी उसका वेट कर रही थी। उसने रूबी के कैरेक्टर को पेपर पर क्रिएट किया था, पर वो अब एक्चुअल में क्रिएट हो चुकी थी। केविन को लगता है कि हेलुसिनेट कर रहा है, उसे एक बड़ी मेंटल प्रॉब्लम आ चुकी है। अगर किसी को पता चला कि वो रूबी को देख रहा है तो उसे मेंटल हॉस्पिटल में डाल देंगे, तो इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा डर गया। केविन ने ब्रदर को कॉल करके सारी चीज़ें बताई। वो ज़रा बिजी था तो डॉक्टर से मिलने के लिए उसे कहता है। उसे लगता है कि बाहर जाकर किसी से उसे बात करनी चाहिए, तो एक लड़की को उसने कॉल कर दिया और वो दोनों डेट पर आते हैं। रूबी उसके पीछे पीछे ही थी, उसकी गाड़ी में भी उसके साथ आई। डेट पर आने के बाद उस लड़की से केविन को बात करता और रूबी ने देख लिया, उस पर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। रूबी उसे कन्फर्म करती है पर केविन ध्यान नहीं दे रहा था, पर जिस लड़की के साथ वो डेट पर था वो भी रूबी को देख पा रही थी। इस बात से कन्फर्म हो जाता है कि रूबी एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है। रूबी गुस्से में यहाँ से जाने लग गई तो केविन भी उसके पीछे पीछे आया। रूबी कहती कि मेरे होते हुए तुम इस तरीके से किसी और लड़की के साथ डेट पर कैसे जा सकते हो। केविन ने उसे सॉरी कहा, कुछ भी कर उसे मना ही लेता है। ये दोनों करीब आ गए थे तो उसे वो किस करता है। केविन अब बहुत ही ज़्यादा खुश था। ये दोनों एक साथ अलग अलग प्लेसेस घूमते हैं और एक दूसरे की कंपनी अच्छे से एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट दिन में केविन अपने ब्रदर से मिलता है, उसे सारी चीज़ें उसने बता दी। ब्रदर को लगा कि केविन पागल हो चुका है, उसकी बात मान नहीं रहा था, तो केविन कहता है कि मेरे साथ घर पर चलो, हम दोनों देखते हैं कि एक्चुअल में क्या है। घर आकर ब्रदर ने रूबी को देखा तो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज्ड हो चुका था। ब्रदर केविन को अकेले में लेकर जाकर उसे बात करता है, कहता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ये पॉसिबल नहीं है, शायद तुम्हारी इस लड़की ने स्क्रिप्ट पढ़ ली और इसी वजह से ढोंग कर रही है। केविन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैंने खुद राइट कर उसे इन्वेंट किया है। ब्रदर कहता है कि अगर तुमने उसे राइट किया है तो तुम अपनी स्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस लाओ तो एक्चुअल में रूबी में भी चेंजेस आ जाएंगे। केविन कहता है कि शायद ऐसा हो सकता है, तो ये दोनों चेक करने के लिए ऊपर गए। केविन ने लिखा कि रूबी फ्रेंच में बात कर सकती है। नीचे आने पर रूबी से बात करते तो उनसे वो फ्रेंच में बात कर रही थी। ये सब देखकर ब्रदर तो चकरा ही गया था। कार में दोनों अकेले में बात करते हैं। ब्रदर ने कहा कि ये तो बहुत ही अमेजिंग है। केविन कहता है कि इस बारे में किसी को भी बताना मत। ब्रदर ने कहा कि तुम उससे कुछ भी करवा सकते हो। मैं और मेरी वाइफ जब पहले मिले थे तो एक दूसरे की सारी बात मानते थे, पर अब वो कुछ भी बात नहीं मानती, पर रूबी हमेशा तुम्हारी सारी बातें मानेगी। एक दिन केविन जब रूबी के साथ था तो केविन को अपनी मदर का कॉल आता है, उसे घर पर बुला रही थी। केविन रूबी को अपनी मदर से नहीं मिलवाना चाहता था, ये बात रूबी ने नोटिस की, इससे वो ज़रा अपसेट हो गई थी। रूबी आजकल केविन के साथ ही रह रही थी, पर उसने आज रात कहा कि शायद मुझे अपने घर पर जाना चाहिए, तुम फिर कुछ राइट कर पाओगे। केविन को यह प्लान अच्छा नहीं लगता तो उसने कहा कि चलो मेरी मदर को मिलकर आते हैं। मदर इन्हें देखकर बहुत एक्साइटेड थी, रूबी उसे बहुत अच्छी लगती है। केविन के फादर के जाने के बाद मदर ने मॉड से शादी कर ली थी। मॉड को गार्डनिंग बहुत ही अच्छी लगती थी, तो हर जगह पर प्लांट्स ही प्लांट्स थे। उसकी मदर मॉड से मिलने के बाद बहुत सारी चीज़ों में चेंज हो गई थी, ये बात उसे अच्छी नहीं लगती, पर उसकी मदर बहुत खुश थी। सब मिलकर एंजॉय कर रहे थे, पर केविन को इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, वो अपने बुक पर ही कॉन्सेंट्रेट करता है। रात में केविन का ब्रदर बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हो गया, वो रूबी के बारे में बताने वाला था, पर तभी उसकी वाइफ उसे लेकर चली गई। यहाँ से जाने से पहले मॉड केविन को एक चेयर गिफ्ट करता है। केविन ये लेने से स्ट्रिक्टली मना कर देता है, पर रूबी उसे ले जाने के लिए फोर्स कर देती है। केविन का ज़्यादा रूबी पर कॉन्सेंट्रेशन नहीं था, तो इस वजह से उसे सैड लगने लग गया। केविन हमेशा रूबी के साथ ही रहता था, तो उसके कोई भी फ्रेंड्स नहीं थे। इस बात से वो ज़रा अपसेट हो गई। वो कहती कि एक रात में मेरे अपार्टमेंट में बिताया करूँगी, और वो एक आर्ट क्लास में भी जाने वाली है। केविन को ये बात अच्छी नहीं लगती, पर इसके लिए वो मान जाता है। रूबी ने अपना आर्ट क्लास लगाया, वहाँ पर उसके कुछ फ्रेंड्स बने तो उसे अच्छा लगने लग गया था। एक रात वो अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक्स के लिए गई और रात में घर पर नहीं आने वाली थी। केविन उसे बहुत ही मिस करता है। केविन ने अपने आप से प्रॉमिस किया था कि रूबी को कभी भी चेंज नहीं करेगा, पर आज रात वो फिर से लिखता है। इसमें उसने लिखा कि रूबी पार्टी पर गई थी, पर उसे बहुत ही अकेला लगा तो घर वापस आ गई। एक्चुअल में फिर रूबी केविन के पास वापस आ गई थी। इसमें जैसे केविन ने लिखा है कि रूबी उससे दूर नहीं रह सकती, तो यही अब होने लग गया। केविन कहीं भी जाता तो रूबी उसका हाथ पकड़कर हमेशा उसके पीछे ही आती थी। एक दिन ये दोनों जरा बाहर गए, केविन को कॉल आता है तो रूबी का हाथ छोड़कर वो आगे चला गया।
रूबी वहीं पर खड़ी हो गई और रोने लग गई कि केविन उसे इस तरीके से कैसे छोड़ सकता है। केविन ने उसे मनाने की कोशिश की पर वो बहुत ज़्यादा अपसेट थी। केविन फिर से राइट करता है, कहता है रूबी मेरे साथ बहुत खुश है। जब वो वापस आया तो रूबी एक्चुअल में बहुत खुश थी। वो उसे कुछ भी कहता तो इस बात से वो एक्साइटेड हो जाती। केविन को लगता है कि रूबी के साथ ये सब करना गलत है। इसके बारे में उसने अपने ब्रदर से बात की। ब्रदर ने कहा कि मैं तुम्हें जज नहीं कर सकता, लड़कियों के दिमाग में क्या चल रहा है ये तुम कभी भी जान नहीं सकते। एक दिन मेरी वाइफ मुझे अचानक से छोड़कर चली गई थी और फिर से वो वापस आ गए, पर मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि क्या वो हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चली जाएगी। एटलीस्ट केविन रूबी को हमेशा उसके साथ रख सकता है। ये सब सुनने के बाद भी केविन रूबी को फिर से नॉर्मल करने की कोशिश करता है। उसने लिखा कि रूबी पहले जिस तरीके से थी वैसे ही फिर से हो जाए। अगली सुबह जब वो रूबी के पास आया तो फिर से अपसेट हो गई थी। उसे लग रहा था कि इन दोनों में कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं। वो कभी भी किसी से मिलते नहीं थे। रूबी का अपने फ्रेंड्स के साथ होना केविन को अच्छा नहीं लगता था, इस वजह से वो बहुत ही अपसेट हो गई थी। रूबी ने कहा कि तुमने मेरी एक आइडिया क्रिएट की है, अगर मैं तुम्हारी मर्जी के खिलाफ जाऊँ तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता। रूबी उसे कितनी भी बात करने की कोशिश करे ये केविन तक पहुँचता ही नहीं। केविन ने आज ये सब समझ लिया, कहता है कि चलो हम एक पार्टी पे चलते हैं। पार्टी में दोनों अलग अलग लोगों से बात करने लग गए। अपने एक्स गर्लफ्रेंड लैला से मिलता है, उस पर अब भी बहुत ज़्यादा गुस्सा था। बातों बातों में इन दोनों में झगड़ा चालू हो जाता है। लैला ने केविन से कहा, तुम कभी भी अपने दिल की बात मुझसे कहा नहीं करते थे, तुम जब मेरे साथ रिलेशनशिप में थे फिर भी तुम जैसे अकेले हो इसी तरीके से बिहेव करते थे। तुम्हारे मन में मेरी एक इमेज थी, उस इमेज से अगर मैं दूर जाऊँ तुम्हें अच्छा नहीं लगता था। ये वही बात है जो रूबी ने अभी अभी केविन से की थी। एक्चुअल में केविन का एक बहुत ही बड़ा इशू था। मूवी के फर्स्ट में उसके ब्रदर ने भी उसे यही बात की थी। उसने कहा था रूबी का कैरेक्टर उसने जो लिखा है इस तरीके की कोई भी लड़की नहीं होती। एक पर्सन में बहुत सारे अलग अलग डायमेंशंस होते हैं। केविन जिस तरीके से अपनी गर्लफ्रेंड को चाहता है उस तरीके से सब कुछ चीजें नहीं हो सकती। टाइम के साथ लोग चेंज होते रहते हैं, पर केविन इस बात को मानने के लिए रेडी नहीं था। अपनी एक्स गर्लफ्रेंड लैला के साथ यही पर उसकी बात खत्म हो जाती है। यहाँ से जाने के लिए रूबी को ढूंढने लग गया। पार्टी में रूबी केविन के एक ऑथर फ्रेंड से मिली थी। ये वही ऑथर है जो केविन को हमेशा नीचा दिखाते रहता है, उसे बहुत ही ज़्यादा हेट करता है। जब उस ऑथर से रूबी मिली तो उन्होंने कुछ बात की। रूबी को उसका स्विमिंग पूल बहुत ही अच्छा लगा था तो ऑथर ने कहा तुम भी यहाँ पर आ जाओ। रूबी स्विमिंग पूल में जा रही थी तो केविन ये देख लेता है और इस बात से वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया, वैसे उसे घर पर लेकर आया। इस बात की वजह से इन दोनों में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। केविन कहता है कि मुझे तुम्हारा इस तरीके से किसी से भी बात करना अच्छा नहीं लगता, तुम हमेशा मुझे कंट्रोल करते रहते हो। अब यहाँ से वो जाने वाली थी। केविन का ईगो हर्ट हो गया। वो कहता है मैं जो भी चाहूँ वो मैं तुमसे करवा सकता हूँ। वो ऊपर जाता है और रूबी के बारे में लिखने लग गया। वो रूबी से कहता है कि मैंने तुम्हें क्रिएट किया है, मैं जो भी चाहूँ वो सारी चीज़ें तुमसे करवा सकता हूँ। रूबी को यह पढ़कर शौक लगा। उसे कहती है कि अगर तुम सोचते हो कि मुझसे तुम कुछ भी करवा सकते हो तुम्हारी लाइफ लोनली और बहुत ही घटिया बन जाएगी। केविन इसे हर्ट हो गया और भी लिखने लग गया। उसे डांस करवाता है, जमीन पर गिरा देता है। उसने उसे हर्ट कर दिया। उसने अभी अभी जो भी किया और फिर भी रूबी से बहुत प्यार करता था, उसे बहुत बुरा लगा। वो डिसाइड करता है कि रूबी को हमेशा के लिए फ्री कर देगा। उसने लिखा कि रूबी जब घर छोड़कर चली गई उसके बाद से केविन उसे कंट्रोल नहीं कर सकता था। ये स्क्रिप्ट उसने रूबी के पास रख दी। इसके ऊपर उसने आई लव यू भी लिखा। अगली सुबह जब वो उठा तो डोर के पास स्क्रिप्ट पड़ी हुई थी और रूबी वहाँ से चली गई थी। केविन का हार्ट ब्रेक हो गया, वहीं पर नीचे गिरकर रोने लग जाता है। बहुत टाइम तक वो वैसे ही था। जब उसका ब्रदर उसे देखने के लिए आया तो उसे वो सहारा देता है। अब थोड़े दिन बीत गए थे। उसके ब्रदर ने उसे कहा तुम्हें तुम्हारे साथ जो भी हुआ इसके बारे में लिखना चाहिए। केविन कहता है कि लोगों को यह सब रियल नहीं लगेगा, तो ब्रदर ने कहा कि इसे फिक्शन की तरह लिखना। केविन को यह आइडिया अच्छा लगा और उसने इसमें एक बुक बना दी। पब्लिश होने के बाद ये बुक सक्सेसफुल हो गई। उसके डॉक्टर भी उस पर प्राउड थे। डॉक्टर कहते हैं क्या तुम्हें लगता है कि रूबी सचमुच में तुम्हारे साथ थी? केविन ने कहा कि मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो शायद थी शायद नहीं भी थी। वो जैसे भी थी वो उसे एक्सेप्ट करता है। इसी तरीके से अपनी गर्लफ्रेंड को एक्सेप्ट करना उसके लिए हार्ड था, पर इस बुक को लिखने के बाद उसने ये सब चीज़ें रियलाइज की है। उसने रूबी को एक्सेप्ट किया है। एक दिन केविन उसे रूबी की तरह दिखने वाली एक लड़की दिखे। उसे कहती है शायद मुझे लगता है कि मैं तुम्हें जानती हूँ। वो लड़की केविन की बुक पढ़ रही थी तो उसने अपनी पिक्चर उसे बुक के पीछे दिखाई। उस लड़की को लगता है कि शायद इसी वजह से उसे जानती है,
पर एक्चुअल में रूबी थी। उस दिन घर से जाने के बाद रूबिन केविन के बारे में भूल गई थी, ये बात सिर्फ केविन जानता है। अपनी सारी गलतियों को केविन ने अब रियलाइज किया है। इस रिलेशनशिप के लिए अब वो रेडी था। ये दोनों अब फिर से बात करने लग गए। शायद इनकी लव स्टोरी की एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी स्टार्टिंग होगी। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। ये मूवी हमें पता कर जाती है कि प्यार में हम सेल्फिश नहीं हो सकते, हमारा पार्टनर हमसे क्या चाहता है इसका भी हमें ख्याल रखना चाहिए। इसी के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दाने मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।